हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोटेक्ट बजट। और आज आपको कुछ RGB कीबोर्ड्स देखने को मिलेगा अंडर ₹1500। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इन RGB कीबोर्ड्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बटन के अंदर लाइट दे दिया और RGB कीबोर्ड बन गया, और भी मतलब बहुत कुछ होता है इसमें। जैसे कीबोर्ड्स के जो कीज होते हैं वो मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के स्मूथ होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा साइलेंट होते हैं। और फ्रेंड्स, RGB से भी डेकोरेशन अलग अलग होता है। किसी कीबोर्ड्स के आपको नीचे से RGB स्प्रेड होता हुआ दिखाई देता है, किसी में आपके जो बटन्स होते हैं बटन्स के अंदर से आपको RGB का कोई भी फंक्शन देखने को नहीं मिलता। उस टाइप के कीबोर्ड्स को रात को यूज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है अंधेरे में। किसी किसी कीबोर्ड्स के जो बटन्स होते हैं वो ट्रांसलूजेंट सा बटन होता है, जिसके साइड से आपको थोड़ा बहुत RGB निकलता हुआ दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है देखने में। किसी में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ बटन के अंदर से ही RGB देखने को मिलेगा, साइड से पूरा ढका हुआ रहता है, कहीं से भी RGB फ्लैश होता हुआ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बटन के अंदर ही दिखाई देगा। इस टाइप से काफी सारे डिजाइन के कीबोर्ड्स आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। कुछ गेमिंग कीबोर्ड्स हैं जो कि थोड़े बड़े हैं, जिनमें एक्स्ट्रा बटन दे रखा है मल्टीमीडिया के लिए। कुछ कॉम्पैक्ट डिजाइन के कीबोर्ड्स है एंटी गोस्टिंग। और फ्रेंड्स, मेरे आज के लिस्टेड कीबोर्ड में अगर कोई कीबोर्ड आपको पसंद आया तो उसका अमेज़न लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट अमेज़न से परचेज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो पहला कीबोर्ड है वो है कॉन्सेप्ट कार्ट यूनिवर्सल बैकलाइट कीबोर्ड। और इसका आप लुक देख लीजिए, कमाल का कीबोर्ड है। और ये कीबोर्ड आपको टोटल 2 कलर्स में अवेलेबल मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये एक वायरलेस कीबोर्ड है, और इस प्राइस रेंज में ये एक ऐसा लौता कीबोर्ड है जो कि आपको वायरलेस मिल रहा है और साथ ही में RGB का भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और इस कीबोर्ड को आप अपने सेलफोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में और PC में कनेक्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सही कीबोर्ड है ये। इसके जो बटन है वो काफी ज्यादा स्लिम है, लैपटॉप की तरह इसके बटन है, जो कि बहुत ज्यादा साइलेंट है, ज्यादा आवाज नहीं करेगा। इसकी खास बात यह है कि इसके RGB आपको इसके बटन के अंदर भी देखने को मिल रहा है, और इसके बटन के सराउंडिंग में थोड़ा सा लाइट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त लुक प्रोवाइड कर रहा है। और अंधेरे में यूज करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड में से एक है। लेकिन ये एक वायरलेस कीबोर्ड है, और इसका लाइट आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए ही मिलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और 7 कलर का RGB आपको इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इन लोगों ने दे रखा है कि 6 मंथ्स का बैटरी लाइफ है, लेकिन मैं बताऊं उतना नहीं देगा, अप्रॉक्स 1 मंथ का ही आपको इसमें बैटरी बैकअप मिलेगा फ्रेंड्स। और इसका कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार, और इसका प्राइस है अप्रॉक्स ₹1500 इन Amazon। सो फ्रेंड्स, आपसे जो सबसे फेमस ब्रांड होगा वो आपको सबसे पहले दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर HP का गेमिंग कीबोर्ड है, और ये एक कॉम्बो सेट है। इसमें आपको माउस भी मिल रहा है और कीबोर्ड भी मिल रहा है, और इसका कीबोर्ड का साइज भी काफी ज्यादा सही है, कॉम्पैक्ट सा कीबोर्ड है ये, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। अगर आपके टेबल में जगह कम हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। कमाल का कीबोर्ड है, RGB भी इसमें मस्त मिल रहा है, और इसके कीज के अंदर भी आपको RGB का फंक्शन देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से आप इसे रात में भी यूज कर सकते हो लाइट ऑफ करके। हालांकि आपको इसमें माउस भी देखने को मिल रहा है, और ये एक गेमिंग माउस है, और इस माउस में आपको 6 प्रोग्राम बटन देखने को मिल रहा है, जो कि सुपर्ब है। और 1 DPI स्विच भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इसके DPI को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसमें DPI कितना है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये गेमिंग माउस है, जिस वजह से इसमें RGB का भी आपको फंक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है रात को देखने में। और अकॉर्डिंग टू मी ये वन ऑफ द बेस्ट डील है, क्योंकि यहाँ पे आपको HP का भरोसा भी मिल रहा है और एक कॉम्बो सेट मिल रहा है, और इन कॉम्बो सेट में ही आपको RGB भरपूर देखने को मिलेगा। और इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल रहा है, और इसका कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार, और इसका प्राइस है अप्रोक्स ₹1500 इन Amazon। सो चले फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है रेड ड्रैगन K502 वायर्ड USB गेमिंग कीबोर्ड, और इसका लुक देख लीजिए फ्रेंड्स, कमाल का लुक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लुक है, आप देख ही सकते हो। लेकिन इस कीबोर्ड में ऐसा कुछ है जो कि दूसरे कीबोर्ड में नहीं है, वो है इसका वाटरप्रूफ PCB बोर्ड। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ PCB बोर्ड देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप इस कीबोर्ड में चाय, कॉफी, जूस, शरबत कुछ भी डाल दो, खराब नहीं होगा फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वाटर टेस्ट करूँ इस कीबोर्ड पे, सो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, 100 लाइक्स पे आपका भाई वाटर टेस्ट के लिए ये कीबोर्ड जरूर ले आएगा। और इसमें आपको एंटी गोस्टिंग का भी फीचर्स देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि नॉर्मल कीबोर्ड में आप 2 कीबोर्ड को एक साथ प्रेस करोगे वो काम करेगा, लेकिन अगर आप 3 या 4 की को एक साथ प्रेस करोगे तो वो काम नहीं करेगा, तीसरा और चौथा की। तो गेमिंग के टाइम में क्या प्रॉब्लम होता है ना, एक से आप मूविंग कर रहे हो, दूसरे से आप रनिंग कर रहे हो,
और अगर आप तीसरे कीबोर्ड से फायरिंग या जंपिंग करोगे तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए एंटी घोस्टिंग की का इन्वेंशन किया गया। इस की से क्या रहता है ना, आप एक की से मूव कर रहे हो, दूसरे में रनिंग कर रहे हो और तीसरे से आप जंप भी कर सकते हो और चौथे से आप फायर भी कर सकते हो, सारे कीज वर्क करेंगे। यही डिफरेंस है एंटी घोस्टिंग में और नॉर्मल कीज में। इसमें जो RGB है ये आपको सिर्फ इसके अल्फाबेट के अंदर से ही देखने को मिलेगा। कीज के साइड से जो दूसरे कीबोर्ड में RGB बाहर निकल जाता है वैसा इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जो बहुत ही ज्यादा डिसेंट सा और एक क्लासिक सा लुक रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको RGB तो चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा RGB अगर आपको पसंद नहीं तो आप इस कीबोर्ड को ले सकते हो। और इसके जो बटन है ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा साइलेंट सा बटन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। और इस कीबोर्ड के नीचे आपका जो हाथ का पंजा होता है, पंजे को रखने का एक सही सा सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है, जिस वजह से आप काफी लॉन्ग टाइम तक इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो टाइपिंग हो या फिर गेमिंग हो। और इस कीबोर्ड को भी आप रात को अंधेरे में बिंदास यूज कर सकते हो या फिर थोड़े डार्क एरिया में बिंदास यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसका कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 1500 रुपीज इन अमेजोन, और इसमें भी आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला है चिपट्रोनिक्स RGB गेमिंग कीबोर्ड। और लुक वाइज देखा जाए तो ये भी कमाल का है, और इसके कीज की आप देख सकते हो साइड में भी आपको थोड़े RGB से डेकोरेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके बटन्स नॉर्मल कीबोर्ड की तरह थोड़े उठे हुए हैं, इसीलिए इसके बटन्स के साइड से आपको RGB ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट की जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के अंदर से भी आपको RGB देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से आप इसे रात में भी यूज कर सकते हो, अंधेरे में भी यूज कर सकते हो, बटन बहुत ज्यादा ग्लो करेंगे इसके और रात को कमाल का लुक रिप्रेजेंट करेगा। और इसके ऊपर आपको थोड़े शॉर्टकट बटन्स देखने को मिल रहा है मल्टीमीडिया फंक्शन के लिए, और इसके बीच में आपको इस ब्रांड का लोगो देखने को मिल रहा है जो कि काफी सही है। और इस कीबोर्ड का साइज थोड़ा बड़ा है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव सा लुक इन लोगों ने बनाया है, एक गेमिंग कीबोर्ड का ही लुक इसको दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा सही लग रहा है। और इस कीबोर्ड में भी आपको आपके हाथों के पाम का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप बिना रुके इस कीबोर्ड को काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो। और इसका कस्टमर रेटिंग है 4.7 स्टार जो कि बहुत ही ज्यादा सही है, कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है इस कीबोर्ड से। और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 1400 रुपीस इन अमेजोन। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है एंटी स्पोर्ट्स KM500W गेमिंग बैकलाइट कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो। यहाँ पर भी आपको कॉम्बो देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट डील लगा मुझे ये भी। और इसके जो बटन्स है ये नॉर्मल कीबोर्ड की तरह ही है, और इसमें बस RGB सेट कर रखा है, आप देख ही सकते हो बटन के साइड से RGB बाहर आ रहा है। और इसके अल्फाबेट भी आपको RGB से ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप इसे अंधेरे में भी यूज कर सकते हो, और साथ ही में इसके कीबोर्ड में आपको पाम सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप काफी लॉन्ग टाइम तक इसमें गेमिंग भी कर सकते हो फ्रेंड्स। और एक गेमिंग माउस भी आपको इसी के साथ दिया जा रहा है, जिसका DPI है 3200 विथ DPI स्विच एंड 6 प्रोग्राम बटन भी आपको इसी माउस में देखने को मिल जाएगा। और इसका कस्टमर रेटिंग भी काफी अच्छा है, 4.2 इसका कस्टमर रेटिंग है, 1 ईयर का वारंटी भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है, और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 1300 रुपीज इन अमेजोन। और अगला है कॉस्मिक बाइट CBGK17 वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड विद एल्यूमिनियम बॉडी। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिल रहा है इसका, बाकी सबका प्लास्टिक बॉडी है और इसका एल्यूमिनियम बॉडी। और कॉस्मिक बाइट का तो आपने नाम सुना ही होगा, हेडफोन्स में तहलका मचा रखा है इसने, और ये भी मतलब सही सा कीबोर्ड लग रहा है, एक गेमिंग कीबोर्ड का ही इसको लुक दिया गया है। और ये आपको 2 कलर्स में अवेलेबल मिल जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, और इसमें आपको एंटी घोस्टिंग का भी फीचर्स देखने को मिल रहा है। और इसका भी RGB बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, आप देख ही सकते हो, और इसके कीज के अंदर से भी आपको RGB देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें भी आपको पाम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि कमाल का फीचर्स है, और हर एक गेमिंग कीबोर्ड में ये होना ही चाहिए फॉर मोर कम्फर्ट। और इसका कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार, वारंटी है 1 ईयर, और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 1500 रुपीज इन अमेजोन। तो चले फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है ज़ेब्रोनिक ज़ेब USB गेमिंग कीबोर्ड। और इस प्राइस रेंज में आपको ज़ेब्रोनिक के काफी सारे कीबोर्ड्स देखने को मिल जाएगा, अगर आप दुकान में जाओगे तब भी आपको दुकान में भी काफी सारे कीबोर्ड्स का वैरायटी देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला जो कीबोर्ड है ना, माइंड ब्लोइंग है फ्रेंड्स, माइंड ब्लोइंग कमाल का कीबोर्ड है। आप देख सकते हो इसका लुक, एक गेमिंग कीबोर्ड का लुक इसको दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा सही लग रहा है। और इसके ऊपर आपको काफी सारे मल्टीमीडिया शॉर्टकट कीज देखने को मिल रहा है। ज़ेब्रोनिक में ज्यादातर जो कीबोर्ड्स है उसमें आपको सिर्फ बटन के साइड में ही RGB देखने को मिल रहा है, बटन के अंदर आपको RGB देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस कीबोर्ड
कीबोर्ड में ऐसा नहीं है। इस कीबोर्ड में आपको अल्फाबेट के अंदर भी आरजीबी ग्लो करता हुआ दिखाई देगा और बटन्स के साइड में भी आपको आरजीबी से डेकोरेशन देखने को मिल जाता है फ्रेंड, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल लगता है और रात को बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग सा लुक रिप्रेजेंट करता है। और इसे आप अंधेरे में भी यूज कर सकते हो और इसमें भी आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल रहा है। कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार और ये एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट है। इसका प्राइस है अप्रोक्स 1500 रुपीज इन अमेजोन। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और ये है फिलिप्स वायर्ड कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो। इसका कीज काफी ज्यादा पसंद आया मुझे क्योंकि आप देख ही सकते हो इसके ऊपर के जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के अंदर से तो आप ग्लो आरजीबी मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही में इसके जो बटन्स है ये बटन्स भी काफी ज्यादा स्मूथ है और बहुत ही ज्यादा साइलेंट है। साइलेंट होने के साथ साथ ये जो कीज है ये थोड़े ट्रांसलूजेंट से है, जिस वजह से इसके बटन्स के साइड में आपको आरजीबी से डेकोरेशन देखने को मिल रहा है। बाकी सब में क्या रहता है ना, बटन के नीचे से आपको आरजीबी ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये एक लैपटॉप जैसा कीज है और ये बहुत ज्यादा आरजीबी ग्लो नहीं करता, हल्का एक डिसेंट सा लुक रिप्रेजेंट करता है जो कि एकदम हार्ट टचिंग सा लुक है इसका। फिलिप्स का माउस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स ये कोई गेमिंग माउस नहीं है, ये नॉर्मल माउस है। लेकिन इस माउस में भी आपको थोड़ा सा आरजीबी से टचअप देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त लुक रिप्रेजेंट कर रहा है और रात को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। और फ्रेंड्स इसका कस्टमर रेटिंग है 4.7 स्टार। हाँ फ्रेंड्स, कस्टमर भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है इस कीबोर्ड से और इसका वारंटी है 1 ईयर। ये एक फिलिप्स का प्रोडक्ट है इसीलिए इसका प्राइस दूसरे के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। इसका प्राइस है अप्रोक्स 1800 रुपीज इन अमेजोन। सो चलिए फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं। यह है HP K3 गेमिंग कीबोर्ड और इसका आप लुक देख लीजिए, एक कॉम्पैक्ट सा लुक है। मतलब इसके साइड के आप ब्रेजल देख रहे हो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा स्लिम है। मतलब जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही प्लास्टिक का इसमें इस्तेमाल कर रखा है, ज्यादा प्लास्टिक नहीं डाल रखा और नॉर्मल कीबोर्ड जैसा ही इसका बटन है। और इसमें आपको आरजीबी का फंक्शन देखने को मिल जाएगा और इसके कीज के अंदर भी आपको आरजीबी ग्लो करता हुआ दिखाई देगा और इसमें भी आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाएगा। कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार और इसका प्राइस है 1400 रुपीज इन अमेजोन। सो चलिए फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है हैबिट KB500L USB गेमिंग कीबोर्ड। हालांकि मैंने इसको अपने लिस्ट में ऐड तो कर दिया, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप इसे खरीदो क्योंकि इसके आरजीबी सिर्फ इसके बटन के चारों तरफ है, इसके बटन के अंदर आरजीबी का कोई भी फंक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कीबोर्ड बहुत ही ज्यादा मस्त है इसका देखने में, इसके पर आपको काफी सारे मल्टीमीडिया बटन्स भी देखने को मिल रहा है और इसमें आपको एंटी गोस्टिंग का भी फीचर्स देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कीबोर्ड को आप रात को यूज नहीं कर सकते, आपको अल्फाबेट्स दिखाई नहीं देंगे। सो फ्रेंड्स मुझे कुछ खास नहीं लगा और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ना ही खरीदो तो बेटर होगा। और इसका कस्टमर रेटिंग भी कुछ खास नहीं है, हालांकि इसमें भी आपको 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाएगा और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 1500 रुपीज इन अमेजोन। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।